नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। आधिकारिक बयान जारी, गहलोत होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, सचिन पायलट होंगे उप मुख्यमंत्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। तो जिस घड़ी का सबको पिछले 3 दिनों से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बना दिए गए हैं, जबकि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। आज शाम 4:30 बजे कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये आधिकारिक बयान दिया। घोषणा होते ही गहलोत समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पटाखे फोड़कर, मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कल गहलोत मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं। गिव टोटल स्ट्रेंथ टू द पार्टी एंड फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान। I am requesting अशोक गहलोत जी एंड सचिन पायलट जी टू स्पीक फ्यू वर्ड्स। अभी वेणुगोपाल जी ने जो आपको अनाउंसमेंट किया उसके लिए मैं तमाम हमारे नेता राहुल गांधी जी का और तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायकों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे एक बार और राजस्थान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। और मैं इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा कि जिन मुद्दों को लेकर हम चले थे इलेक्शन कैंपेन के अंदर, जिस पर राहुल गांधी जी ने पूरे प्रदेश में कैंपेन करके किसान की बात करी, युवाओं की बात करी, जो मुद्दे कुशासन वहाँ पे चला है 5 साल तक उसकी बात करी और ये विश्वास दिलाया जनता को कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, गुड गवर्नेंस देगी, आपको किसानों के कर्जे माफ़ होंगे, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, जन समस्याओं की सुनवाई होगी, ये मोटे तौर से उन्होंने बहुत सारी बातें कही जिसमें सुशासन मुख्य रूप से होता है। तो मैं इस मुबारक मौके पर तय कहना चाहूँगा कि मैं और मेरे साथी सचिन पायलट जी और तमाम हमारे जो मंत्रिमंडल साथी बनेंगे, हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप गुड गवर्नेंस देंगे राजस्थान के अंदर। और जो 5 साल तक वहाँ पर लोगों ने जो तकलीफ होगी है, बड़ी बड़ी हमारी योजनाएँ रिफाइनरी की, जयपुर मेट्रो की, आदिवासियों में ब्रॉडगेज जानी थी, काम शुरू हो गया तो रुक गया, एक डैम बनना था वहाँ पर हड़ौती के अंदर, बहुत डिले कर दिया, करौली डॉग छोड़ने थे रेलवे से वो काम बंद हो गए, कोच फैक्ट्री का प्रस्ताव था भीलवाड़ा का, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बंद कर दिए, हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया, उसको लेकर लोगों में बहुत भारी गुस्सा था। और हमारी मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आप सब जानते हैं, वसुंधरा जी किसी से मिली नहीं 5 साल तक, ना अपने जनता से, ना अपने विधायकों से, ना पूरी तरह मंत्रिमंडल के साथियों से, तो गुस्सा था उनके प्रति बहुत भयंकर, वो भी खुल के बाहर आया और सरकार बनी वहाँ पर, कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं वहाँ की जनता को, मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एक बार पुनः इस मौके पर, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी सहयोग करने में, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। सचिन जी 2 मिनट बात करेंगे। साथियों, इसी कमरे में हम बैठे थे और किसको मालूम था कि 2-2 करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्यों का जिन्होंने ये चुनाव किया है, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया है प्रदेश का, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि प्रदेश में जो जनादेश पब्लिक ने दिया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों चुनाव इस देश की राजनीति को बदलने वाले चुनाव थे। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है इस प्रदेश में, राजस्थान में प्रगति, शांति, भाईचारा, नौजवानों के लिए अवसर, किसानों को आर्थिक संकट से मुक्ति, इन तमाम मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई है। और ये तीनों राज्यों में जो परिणाम आए हैं,
ये देश को संतोष देने वाले परिणाम है। बहुत से लोग जो आशावान थे और ऐसे लोग जो आशा खो चुके थे, दोनों में परिवर्तन आया है। लोगों को अब उम्मीद है कि 2019 के अंदर बहुत बेहतर बहुमत लेकर कांग्रेस और यूपीए केंद्र में सरकार बनाएगी। उनके मनोबल परस्त होने का मुख्य कारण यह है कि राहुल गांधी जी ने तीनों राज्यों में एक इंट्रेंच सरकार जो बीजेपी की थी, इन तीनों को बाहर किया है। और मैं राजस्थान प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने पूरा आशीर्वाद हम लोगों को दिया और एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार राजस्थान में हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम लोग महामहिम गवर्नर के पास पहले ही गए थे अपना दावा पेश करने के लिए, और इन चुनावों के बाद आज जो अवसर मिला है काम करने का, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा सौभाग्य वाला है। मुझे जब भी मौका मिला, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे केंद्र के मंत्री के रूप में हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रूप में हो, चाहे भारतीय सेना के एक फौज के अफसर के रूप में हो, और आज जो मुझे राहुल जी ने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया उस रूप में हो, हर जगह देश प्रदेश हमारे देश के नागरिक विकास के मुद्दे और जनसेवा की भावना से काम किया है। तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि 5 साल की जो मेहनत करी हम सब कार्यकर्ताओं ने और जनता ने, उसका बेहतर परिणाम आया है। एक अच्छी जवाबदेही, स्पष्ट, ईमानदार, विकास की तरफ केंद्र बिंदु रखने वाली सरकार और आम लोगों का उसमें भागीदारी हो, ये संकल्प लेके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हमारा घोषणा पत्र हम तुरंत प्रभाव से पूरे तरीके से लागू करेंगे, ये मैंडेट राहुल गांधी जी ने दिया है हमको और अशोक गहलोत जी को। और ये चुनाव में जो परिणाम आए हैं, बहुत से लोग बीजेपी बोलती थी 180 सीट जीत कर आएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें मेरा और अशोक गहलोत जी का जादू पूरी तरह चल गया है और हम लोग ये सरकार बना रहे हैं। अब हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि लोकसभा चुनावों की तैयारी करें। कांग्रेस पार्टी एक सशक्त संगठन बनकर उभर रहा है तीनों राज्यों के अंदर, और राहुल जी के नेतृत्व में, तमाम सहयोगी दलों के नेतृत्व में, राजस्थान में बहुमत पाने के बावजूद भी हमने तमाम जो क्षेत्रीय दल या छोटे दल हैं उनका समर्थन प्राप्त किया है, निर्दलियों का समर्थन प्राप्त किया है। तो एक एंटी बीजेपी जो फोर्सेज हैं उन सबको एकत्रित कर राहुल जी के नेतृत्व में यूपी और कांग्रेस की सरकार बनाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी पॉलिटिकल रूप से। गवर्नेंस के रूप में हम लोग जनता की जो उम्मीद हैं उनको पूरी तरह संतुष्ट कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। We are meeting the governor. We are meeting the governor today itself. After that, we will announce the oath taking ceremony's details. आरएस परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मांगा समय, आरपीएससी चेयरमैन को दिया ज्ञापन। परिणाम आने के 10 दिन बाद ही आरपीएससी ने मुख्य परीक्षा की करी घोषणा। आरएस परीक्षा का प्रीवियस का परिणाम कल जारी हो चुका है। आरएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तिथि 23 दिसंबर से 24 दिसंबर फाइनल कर दी है, लेकिन मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का कहना है 10 दिन काफी कम समय है मुख्य परीक्षा की तैयारी में, क्योंकि इस परीक्षा में 16 विषय आते हैं, इसलिए आज अभ्यर्थियों ने चेयरमैन को ज्ञापन दिया और समय बढ़वाने की मांग करी। 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आरपीएससी ने अक्टूबर में निकाला था, उसमें ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को इन्होंने शामिल नहीं किया था, वो उनकी अलग से मेरिट निकाली थी। इसका माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला देते हुए ओबीसी के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के निर्देश दिए थे। ये फैसला लगभग 10 दिन पहले आ गया था, परंतु आरपीएससी ने अपनी हठधर्मिता को दिखाते हुए आरपीएससी ने इसका रिजल्ट कल जारी किया और मुख्य परीक्षा की डेट 23 और 24 दिसंबर दे दी, जो कि बहुत नज़दीक है 10 दिन का समय। आरएस मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग 16 विषयों को कवर करता है और 16 विषयों की 10 दिन में तैयारी असंभव है, इसलिए हमारी माननीय आयोग से ये अपील है, गुजारिश है, हमारा विनम्र निवेदन है कि हम जो 7000 अभ्यर्थी जो आरएस मुख्य परीक्षा में हमें सम्मिलित किया गया उनको पर्याप्त तैयारी का समय दिया जाए। आज क्या किया आपने?
आज हम चेयरमैन को, सचिव महोदय को और सभी मेंबर्स को ज्ञापन देके हमारी मांग यहाँ रख रहे हैं और ऐसा एक आंदोलन जयपुर में हमारे अभ्यर्थी जो पास हुए हैं उनके द्वारा अभी राजनीति सिद्धि चौराहे पर किया जा रहा है। आपका नाम? अमन कुमावत, आर्य सभ्या। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में ये मीडिया जन के साथ चर्चा कर रहे हैं कि जो आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत है 12 जनवरी 2018 को, उसमें आधिकारिक केसेस को किस प्रकार से हमें रेफर करना है, किस प्रकार से उन केसेस को आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से हम मैक्सिमम केसेस को लोक अदालत के माध्यम से, राजीनामा के माध्यम से निपटा सकते हैं। इसी दिशा में चूंकि आम जन तक हमारे देश में गरीबी एवं अशिक्षा बड़े पैमाने पर व्याप्त है, आम जन को कानून की जानकारियां नहीं होती हैं, इसलिए हम सब तक ये बात पहुंचा सकें कि जो नालसा रालसा और केंद्र और राज्य सरकार की जितनी जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं उनका फायदा आम जन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, साथ ही उन गरीब एवं पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करना जो इस सुविधा के हकदार हैं, इसके बारे में राष्ट्रीय लोक अदालत जो आगामी 12 जनवरी 2018 को आयोजित की जानी है उसमें आमजन को यह बात समझाने के लिए निवेदन किया जाना है कि यदि हम लोक अदालत के माध्यम से, राजीनामा के माध्यम से किसी मामले को निपटाते हैं तो उससे हमारा समय बचता है, धन बचता है और हमारे जो आपसी विवाद हैं वो एक समझौता से, एक आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझ जाते हैं। अदरवाइज मेरिट पर यदि कोई केस डिसाइड होता है तो फिर उसकी अपील होती रहती है उच्चतर न्यायालय में, जिससे आपसी विवाद भी बढ़ता है, रंजिश बढ़ती है, समय खर्च होता है, कटुता बढ़ती है समाज में। तो उन सब को देखते हुए वैकल्पिक विवाद जो लोक अदालत एक सशक्त माध्यम है, इसका हमें विशेष रूप से फायदा लेना चाहिए और मैं सब पक्षकारों से और सब अधिवक्तागण से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत जो आगामी 12 जनवरी 2018 को आयोजित की जा रही है उसमें सामूहिक भाग लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को आपसी वार्ता के माध्यम से, आपसी समझाइश के माध्यम से सुलझाएं, ताकि समय की बचत हो, धन की बचत हो और हमारे रिश्ते जो हैं बहुत अच्छे बने रह सकें। इसमें बैंकिंग संबंधी, बीमा संबंधी, बिजली संबंधी, पानी संबंधी और जन सुविधा संबंधी, आपसी पड़ोसियों के मैटर, रिकवरी के मैटर, किसी भी प्रकार के धन संबंधी मैटर और ऐसे विवाद जिनमें राजीनामा किया जा सकता है, वो सब विवाद हम पक्ष चिन्हित करके 12 जनवरी को लोक अदालत में रख रहे हैं और इसको अधिकाधिक सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम 6 जनवरी को एक रूपनगढ़ में मेगा विधिक चेतना शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश महोदय होते हैं वो पधारेंगे और जो हमारे निरीक्षण न्यायाधिपति महोदय होते हैं वो भी पधारेंगे, माननीय सदस्य सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भी होते हैं और माननीय जिला कलेक्टर साहब और एसपी साहब आपकी भी उपस्थिति वहाँ होती है और उसके माध्यम से हम मैक्सिमम लोगों को चिन्हित करके, जैसे कृषि संबंधी कीटनाशक दवाइयों का उपकरण आदि वितरित करते हैं, राशन कार्ड संबंधी जो है वो वितरित करते हैं, स्वच्छता से संबंधित जो टॉयलेट के लिए 12,000 रुपये का चेक है वो पात्र व्यक्तियों को दिया जाता है और जितनी भी जनकल्याणकारी योजना है जिसमें ट्राई साइकिल दिया जाना है, विधवा पेंशन दिया जाना है या सामाजिक सरोकार या सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जो जानकारियां हैं उनके पंपलेट का प्रचार प्रसार किया जाना है, वो सब उस मेगा लीगल कैंप के माध्यम से हम करते हैं, जिसमें नगर निगम, BDO, SDM, ADM, पुलिस प्रशासन सबका
सबकी सामूहिक सहभागिता से होता है, और उसमें जो विशेष रोल रहता है वो मीडिया का रहता है। जो इन जो जो कानून जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जटिल प्रक्रिया है, वो आम जनता के एक सरल प्रक्रिया से, सरल तरीके से कैसे उसका लाभ दिया जा रहा है, ये बताने के लिए एक सशक्त माध्यम हमारा मीडिया है। इसके अलावा हम एक पैनल एडवोकेट्स के भी अभी फॉर्म इन्वाइट कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं सूचित करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि अधिकाधिक संख्या में जो पात्र पैनल एडवोकेट्स हैं वो इसमें आवेदन करें, हम उनकी स्क्रूटनी करेंगे। उसमें हमारी कुछ योग्यताएं हैं, जैसे पात्रताएं हैं, आपको 5 सिविल या क्रिमिनल के जजमेंट देने हैं, आपकी अंडरटेकिंग देनी है, आपके एनरोलमेंट वाला जो फॉर्म है वो लगाना है, और जो भी संबंधित शर्तें हैं उनका पालन करते हुए फॉर्म भरना है। स्क्रूटनाइज के बाद में हम उनको पैनल एडवोकेट्स के रूप में नियुक्ति करेंगे, और नए सिरे से और भी अधिक कारगर ढंग से हम हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको आम आदमी तक, पात्र व्यक्ति तक पहुंचा सकें, इसका पुरजोर प्रयास किया जाएगा। क्योंकि विधिक सेवा संस्थाओं का सर्वप्रमुख दायित्व यह है कि जो भी हमारे जितने भी योजनाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नालसा और रालसा के माध्यम से चलाई जा रही हैं वो आमजन तक पहुँचे। आमजन के जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है उस तक इसका लाभ पहुँचे। चूँकि आमजन में कानून संबंधी थोड़ी सी हिचक रहती है, इसीलिए हमारा ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कानूनी संबंधी जानकारियाँ भी प्रदान की जाती हैं। हमारे PLVs हैं जो घर घर जा कर के न्याय की अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। जो रिटेनर्स हैं, लीगल एड काउंसिल्स हैं, वो लोग किसी भी मामले में अगर किसी को सलाह चाहिए होती है किसी कानूनी विवाद में तो सलाह भी देते हैं, और कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसका हम किस प्रकार से प्रतिकर पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो भी बताते हैं। इसमें समाज कल्याण संबंधी भी सारा होता है, जिसमें बच्चों का, महिलाओं का, विकलांगों का, या जितने भी ऐसे योग्य हैं, ऐसे निशक्तजन हैं जिनको कोई स्कीम का लाभ दिया जा सकता है उनको भी चिन्हित करके और स्कीम का लाभ पहुँचाना होता है। यही हमारा इस पूरी विधिक सेवा संस्थाओं का दायित्व है, और इसी को लेकर के आज ये मीटिंग आयोजित की गई है ताकि हम राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 जनवरी 2018 को आयोजित की जा रही है अधिकाधिक सफल बनाएं, और जो हमारे पैनल एडवोकेट्स के हैं उनकी भर्ती के बारे में हमारी चेतना जागृत हो सके, और जो मेगा लीगल कैंप हम जो आयोजित किया जाने वाला है रूपनगढ़ में 6 जनवरी को, उसके बारे में अधिकाधिक जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक लोग संख्या में पधारें। और इसी अलवरगेट थाना क्षेत्र में सुने मकान के टूटे ताले, मकान मालिक गए थे बाहर, पीछे से चोरों ने उठाया फायदा, सोने चांदी के जेवर पर किया हाथ साफ। धोलाभाटा से सुने मकान को कल चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए घर से सोने चांदी के जेवर और कैश पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक अपने बच्चों के जड़ोले के लिए बाहर गए थे, पीछे से मकान मालिक का छोटा भाई रोज सुबह चेक करने आता था। जब आज आया तो देखा कि घर के ताले टूटे हुए पड़े हैं, सारा सामान बिखरा हुआ है। भाई ने पुलिस को और बड़े भाई को इसकी जानकारी दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करी। मतलब बाहर गई हुई है तो अपने क्या कहते हैं, मैं रोज चेक करने आता हूँ, तभी सुबह मॉर्निंग में आया तब मैंने देखा ताले टूटे हुए हैं, तब मैं अंदर चेक करा, फिर भैया वगैरह को इनको बुलाया, सास ससुर वगैरह भैया के, फिर पुलिस वाले को भी रिपोर्ट करिए। कौन से थाने? अपने अलवर गेट थाने। क्या क्या आइटम देखने मिल गए? गायब तो देखो कपड़े वगैरह भी हैं, कुछ आइटम मोबाइल्स वगैरह हैं, और ज्वेलरी है जो मतलब मैं देख पा रहा हूँ, भैया से पूछा उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं, बाकी वो आएंगे तभी वो क्लियर बता पाएंगे ना क्या क्या है। ज्वेलरी में चेन है, गोल्ड की, भाभी की, भैया की, और छोटे मोटे अंगूठियाँ हैं, रिंग्स हैं, और मम्मी की भी रिंग्स वगैरह है, और थोड़े कैश वगैरह भी था। वो संडे को शाम को गए थे। धोलाभाटा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 1K17 इसमें अम्बे विला, इसमें चोरी हुई है। मतलब मॉर्निंग में चेक करने आता हूँ, मैं शाम को भी आता हूँ कई बार, तो कल दोनों टाइम देख के गया था जब कुछ नहीं था ऐसा, अभी मॉर्निंग में आया जब मेरे को ताले टूटे हुए मिले तब मैंने चेक करा उनको। फैमिली बच्चे के वो जड़ूले होते हैं माता के, गई है तो उसमें गई हुई है, वो गए थे संडे को शाम को, तो आज आने का ये अभी रनिंग में ही है। तो आपने क्या देखा, क्या क्या चीज़ आई? मैंने जैसे गेट खोला तो मेरे को अलमारियाँ टूटी मिली, तब मैंने फिर भैया को कॉल किया, मैंने कहा क्या क्या सामान था कुछ है, तो फिर वो बताते गए कि बोले ये चेक कर ले, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने चेक करा। मतलब जैसे उसने बोला कि लॉकर टूटा हुआ है तो मैंने कहा हाँ टूटा हुआ है, तो बोले यार उसमें ज्वेलरी थी, तो मैंने कहा क्या था समथिंग, फिर भी बोले चेन थी मेरी भाभी की और रिंग्स थी, हाँ, और कान के टॉप्स भी बता रहा है। बाकी तो ऐसे तो ज्वेलरी हम लॉकर में रखते हैं भाई, कुछ आइटम यहाँ था जी।
तो पुलिस को हाँ पुलिस को इनको बोल के पापा जी को तो कंप्लेन करवा दी है, अभी एफ आई आर करवाई है, रिपोर्ट लेके गए हैं वो, अभी फिर शाम को बुलाया हमने। कौन से थाने? अपने अलवर गेट थाने। ये मकान किसका है? ये बिशन लाल जी के नाम है और भैया यहीं रहता है। आराम? मैं मदार रहता हूँ। अच्छा, दो मकान? हाँ, वहाँ पे मकान है। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र कुमार। क्या लगता है? बेटा छोटा। ईदगाह रोड पर बनी अवैध दुकानों को निगम ने किया सीज, 90 दिनों में नहीं दिखाए दुकान के कागज तो दुकानें की जाएगी ध्वस्त। ईदगाह रोड पर बनी अवैध दुकानों पर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानें सीज कर दी है। निगम अधिकारी का कहना है कि दुकान जिसने बनवाई है उसे कुछ दिनों पहले इसका नक्शा और कागज दिखाने को बोला गया था, लेकिन अभी तक कोई कागज इन दुकानों के सामने नहीं आए हैं। 90 दिनों के अंदर इन दुकानों के नक्शे और कागज पेश न किए गए तो इन दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। ईदगाह रोड वैशाली नगर में ये चार दुकानें जो अवैध रूप से यहाँ पर ये बनाई गई थी, इस संबंध में हमने संपत्ति स्वामी को पूर्व में भी वो नोटिस वगैरह जारी किए थे कि भाई जो भी आपके कोई इनके जो जो टाइटल के जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं और जो नक्शा पास कराया तो वो हमें नगर निगम में पेश करें। तो परंतु जो संपत्ति स्वामी ने कोई भी ऐसा वो कागज वगैरह हमको पेश नहीं किए, तो हमने आज यहाँ पर ये दुकानों को हमने जो चार दुकानें हैं इनको हमने सीज किया और ये प्रॉपर्टी वो सुनीता वो वाइफ वो श्रवण कुमार के नाम पे ये बता रहे हैं, तो हमने इनको दुकानों को सीज कर दिया है। और यदि ये 90 दिवस के अंदर ये हमें कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह पेश नहीं करते हैं तो ये ज़मीन पे जो चारों जो अवैध रूप से जो दुकानें जिनने जो बनाई गई है तो इनको हम निगम द्वारा हम इनको ध्वस्त। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने पर अजमेर कांग्रेस कमेटी में जश्न का माहौल, पटाखे जलाकर करी आतिशबाजी, अशोक गहलोत जिंदाबाद के लगाए नारे। कांग्रेस का आधिकारिक बयान आ चुका है, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। दूसरी ओर सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है। पायलट उप मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहेंगे। आधिकारिक बयान आने के साथ ही अजमेर कांग्रेस कमेटी में खुशी का माहौल है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमा होकर सभी कांग्रेसजनों ने जमकर जश्न मनाया, आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। और वही चेहरे देखने को मिल रहे हैं राजस्थान में, क्या ये प्रयोग हो पाएगा? मैंने कहा ना कि अनुभव और युवा का जो मिश्रण राजस्थान के अंदर अभी प्रयोग कर रहे हैं उसके बहुत ही अच्छे और आशाजनक आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर जो चार महीने के बाद होने जा रहे हैं उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा और इस नूतन जोड़ी को राजस्थान का मतदाता तो पूरा करेगा। जो मोदी सरकार ने 5 साल में सिर्फ जुमले के अंदर निकाली थी उन 5 सालों के अंदर युवाओं के अंदर हुई है, किसानों के अंदर हुई है, महिलाओं के अंदर हुई है, बहुत है जो हताश हुई है, उन तमाम हताशाओं को दूर करने के लिए देश के मतदाताओं ने यह तय कर लिया है राहुल जी के नेतृत्व में ही देश जो है वो प्रगति कर सकता है, सभी को खुशहाली मिल सकती है। तो इसके राहुल जी के इस निर्णय को सही साबित करेगा प्रदेश का मतदाता। प्रदेश और देश में जो हाई कमान का जो हाई वोल्टेज जो ड्रामा देखने को मिल रहा था, क्या लगता है आप लोग लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं जो खटास है दोनों नेताओं के बीच में। देखिए, आजकल मैं आप लोगों के ऊपर तो कोई दोषारोपण करता नहीं, मगर वोल्टेज बढ़ाने और घटाने का काम आजकल आप लोग बहुत अच्छे से करते हो और ये 3 दिन के अंदर भूमिका सारी आपकी निभाई हुई है। पार्टी के अंदर ऐसा कोई दिख रहा था, सड़कों पर दिख रहा था, पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। और जो आशा का अतिरेक होता है ना, जो भावनाओं का अतिरेक होता है, वो वर्कर्स का सामने नजर आ रहा था। पार्टी और नेताओं के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आपके द्वारा सारे क्लिपिंग्स को इधर से उधर एडिट क्लब करके और सारा किया, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मगर हाँ कि ये जो कुछ भी था ये सिर्फ भावनाओं का एक उभार था। पार्टी के अंदर नेताओं के बीच में न कोई रस्साकसी थी, न कोई मनभेद था, न कोई मनमुटाव था, न कोई नेगोशिएशन था। ऐसे निर्णय 2 मिनट के अंदर नहीं लिए जाते हैं जिनके परिणाम हमें 5 साल तक भोगना पड़े। तो ये अच्छा एक सोच समझ करके पार्टी ने एक ठोस निर्णय लिया है और मैंने कहा कि इसका बहुत सुंदर परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर प्रदेश के मतदाता
राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोनों कद्दावर नेता जो दोनों ही जो है इस स्थिति में थे कि उनका चयन करना बड़ा उनको जो है भारी पड़ रहा था, इसके लिए उन्होंने दो दिन का समय लगा तो उन्होंने जो हमारे माननीय अशोक गहलोत साहब हैं उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी, माननीय सचिन पायलट साहब सबके लोकप्रिय नेता और युवाओं के जो है हृदय सम्राट उनको जो है राजस्थान के अंदर जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो जिम्मेदारी दी है तो काफी उत्साह है युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, महिलाओं के अंदर कि जो लोग चाह रहे थे कि दोनों नेता हैं राजस्थान को निश्चित तौर पर प्रगति की ओर ले आएंगे और बिल्कुल ये उनका ख्याल जो है बिल्कुल सही है कि जो है राजस्थान को एक नई दिशा मिलेगी, प्रगति मिलेगी, युवाओं के अंदर उत्साह है, किसानों के अंदर जोश है और जिस तरह महिलाएं और जो है गृहणियां जिस तरह जो उत्सव के रूप में मना रही है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के यहाँ भी जो है ढोल बाजों के साथ मिठाइयाँ आतिशबाजी के साथ जिस तरह जो है जश्न मनाया गया उसके निश्चित तौर पर ये जो है हमें विश्वास दिलाता है कि आगामी राजस्थान जो है एक शीर्ष स्तर पर होगा और राजस्थान में पुनः जो है आने वाले लोकसभा के अंदर हम 2500 सीट पर जो है विजयी होंगे। देखिए सचिन पायलट अजमेर से दो बार जीते हैं, लड़े हैं चुनाव, क्या लगता है आपको कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हुई थी? सचिन पायलट साहब की बिल्कुल भावना जुड़ी हुई है, उन्होंने तो कहा अजमेर मेरे लिए जो है हमेशा लक्की रहा है और अजमेर उनके लिए हमेशा लक्की रहेगा क्योंकि जब वो पहले जीते तो पहले जीतने के बाद वो सेंट्रल मिनिस्टर बने और फिर वो यहाँ हार भी गए तो वो प्रदेश अध्यक्ष बने और आज पुनः जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, हम तो कामना करते हैं वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे और आगे तक जाएंगे। जेएन अस्पताल की महिला कर्मचारी का दुर्व्यवहार का वीडियो आया सामने, मृत्यु प्रमाण पत्र पर किसी और का नाम जारी करने का आरोप, परिजन पहुंचे कलेक्टर के पास। कुछ दिनों पहले एक जेएन अस्पताल में एक मरीज की मृत्यु हो गई थी, मरीज की पत्नी को 21 दिन बाद वापस अस्पताल मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जाने के लिए कहा गया। महिला जब अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने पहुंची तो ये कहकर उसे भेज दिया गया कि वो कोई और अजय सैनी नामक व्यक्ति ले गया है। इस पर आज महिला के मामा फिर से अस्पताल गए और वहां पर जाकर कैमरा ऑन चालू कर महिला कर्मचारी द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार का वीडियो शूट कर लिया। अब मरीज के परिजन कलेक्टर के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि हमें अभी तक कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मना कर दिया ना भैया, कितनी बार बोलूंगी इस चीज को मैं आपको? राजू बाबू से बात। किससे? राजू बाबू। कौन राजू? जानिए ये मर्द। किसी से बात नहीं करनी है। हेलो आप मृत्यु प्रमाण पत्र किसके नाम से गलत जारी कर दिया आपने, क्यों कर दिया ये आप दे सुनिए, किस बच्ची को परेशान कर रहे हो आप? चुप रहिए, मेरे को बात कर लेने दीजिए या फिर आप बोल लीजिए। हाँ बात करो बात करो। मैनेजर जी को फोन लगाती हूँ अभी। हाँ इनको बाहर सर, ये तो पूरी के पूरी टीम मेरे अंदर आ गई है, मैं रिपोर्ट कर दूंगी इनकी, बाहर जाइए सर। मैडम काम होगा या नहीं होगा हम ये चाह रहे हैं? नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं होगा, बस बात खत्म। ये डिस्चार्ज टिकट है, आप दूसरों के नाम से आपने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है चला। जी सर, ये मोना देवी है, इनका पति JLN के अंदर एडमिट था सर, वो उनकी डेथ हो गई सर और हम मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए गए तो हमारे पास ये सर डिस्चार्ज टिकट है कि 21 दिन बाद आना, हम 21 दिन बाद आए तो ये है दूसरे इन कंपाउंडरों और इन डॉक्टरों के मिली भक्ति के हिसाब से दूसरों के नाम से जारी कर दिया सर। इसका नाम है, उसके तेजपाल की पत्नी का नाम है मोना देवी और उसके कोमल सैनी के नाम से, हमारे सैनी नाम के कोई चीज़ नहीं होती, सैनी हम नाइको कहते हैं सर, हमारे माली लगाते हैं सर। भैया क्या लगता है आपको, कोई फर्जीवाड़ा कराया? फर्जी इसके अंदर फर्जीवाड़ा कर रखा सर दूसरों के नाम से। आप लेने गए तो क्या कहूँगा? हाँ मेरे को धक्का मुक्की भी की, गाली गलोच भी की सर, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते, रिकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। उन्होंने कहा यहाँ से अंदर चले जाओ, अभी धक्का मुक्की दी और बदतमीजी इस पे होने लग गए और कहा कि अभी चले जाओगे वरना सभी को अंदर कर दूंगे, जमानत नहीं होगी तुम्हारे सभी की। तो फिर हम सर डर के मारे बाहर निकल गए सर, और क्या था? दूसरे दे दिया। हाँ सर किसी और का दे दिया आपको? हाँ से परेशान हो? मैं सर 7 दिन तो इसको, इसकी पत्नी मोना देवी को आज मेरे को स्वयं आना पड़ा सर गाड़ी लेके, हम और हम काश्तकार आदमी हैं सर। कहाँ से आए? हम ये कुंड के लंबे से आए सर, मैं इनका मामा हूँ और मैं बीजनगर से हूँ सर। अभी किससे मिलना है? अभी कलेक्टर साहब से मिलना साहब, उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ जहाँ कहीं भी जाओ तुम्हारी कार्रवाई जो कर लो
तो हम यहाँ जिला कलेक्टर साहब से न्याय मांगने के लिए सर आए हैं। नाम बताओ। मेरा नाम आयुषद मली है, मैं विजयनगर से हूँ। 31 तारीख को मेरे पति यहाँ पे एडमिट हुए थे और 20 तारीख को शांत हो गए थे, उनकी डेट हो गई थी। तो अब मेरे को हॉस्पिटल वालों डॉक्टरों ने सब ने बोला कि 21 दिन बाद में वो लेने आ जाना मृत्यु प्रमाण पत्र। मैं 12वां करने के बाद में वो 22वें दिन में आई तो यहाँ से मेरे को धक्का मार के गए कि यहाँ से दे दिया था कोई ले गया तुम्हारी। अब वो नाम बता दिया कि कोई अजय सैनी ले गया है। मैंने कि अजय सैनी तो हमारे लगता ही नहीं है, वो तो नायों में लगता है, हमारे नहीं लगता, हमारे तो माली जात है, हमारे तो माली है। तो वो हमारे को डिस्चार्ज टिकट नहीं दे रहे, मतलब हमारे पास डिस्चार्ज टिकट सारे कागज सब कुछ मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं और हमारे पास सारे धक्का मुक्की और देते हैं यहाँ से और बाहर निकाल देते हैं। मेरे को 7 दिन तो हो गए करीबन, देख लो यहाँ से। हाँ, मेरा उनका मृत्यु प्रमाण था तो वो किसी और को दे दिए, किसी अजय सैनी को वो उठा के ले गए हैं यहाँ से अजय सैनी। अभी क्या था? न्याय चाहिए, अभी न्याय चाहिए। और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए। मेरा नाम मोना देवी है, कुंड कलावा। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सर समाज सचिन पायलट के समर्थन में फिर आया सड़कों पर, कहा पायलट ना बने मुख्यमंत्री तो होगी हिंसा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सचिन पायलट को बिठाने के लिए गुर्जर समाज और सर समाज के लोगों ने आज फिर नारेबाजी करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि पायलट ने 5 साल तक कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाने के लिए मेहनत की है, कांग्रेस को जीरो से हीरो बनाया है। अब अगर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पायलट को सीएम की कुर्सी पे नहीं बिठाया तो सर समाज मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन करेगा और हिंसा की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी होगी। हमारे युवा नेता जो है सचिन जी, जो 2009 में हमारे अजमेर में आए थे, उन्हीं के कारण हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आज हम चाहते हैं कि हमारा यूथ आगे बढ़े। हमारे अशोक गहलोत जी जो 2 बार सीएम बन चुके हैं, उनको यह है कि सचिन जी को जो हमारा यूथ है उनको आगे बढ़ाए और हमारे हम इन्हीं के कारण सचिन जी के कारण ही हम कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन की थी। तो अब हमको अब राहुल जी को हम ये दिखाएंगे, अगर उन्होंने सचिन जी को नहीं बनाया तो लोकसभा चुनाव में उनको चुनाव भुगतना पड़ेगा। और हम ये हमारी यही युवाओं की यही मांग है कि सचिन जी जो है हमारे सीएम होने चाहिए। आपका नाम? आपका मेरा नाम राजीव वासवानी, संधि समाज से। वैसे तो विधायक दल इनका नेता चुना जाता है क्योंकि विधायक को ही जनता चुनती है और जनता जिस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद जनता ने सचिन पायलट को देखकर दिया, युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो कि परंपरागत जो वोट बीजेपी का था वो तब्दील कांग्रेस में हुआ क्योंकि क्योंकि सचिन पायलट को देखकर ये वोट युवाओं ने दिया है कि हमारे नेता जो राजस्थानी नेता होंगे वो सचिन पायलट होंगे। और एक युवा नेता जब राजस्थान का युवा नेता सचिन पायलट मुख्य होगा तो राजस्थान की युवाओं की आवाज़ आगे तक जाएगी, युवा आगे बढ़ेगा। इस सोच को देखकर हमने वोट किया था, इसलिए हम आग्रह करते हैं राहुल गांधी जी की आपने जिस प्रकार बोला कि हम युवाओं को आगे लेके आएंगे, तो आप पहला काम राजस्थान के युवा सचिन पायलट को आगे लाएं, उसके बाद जो सचिन पायलट हम जैसे युवाओं को आगे लाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो जितना समाज में जिन्होंने वोट दिया कांग्रेस को वो वोट टूट जाएगा और उसका मुकदमा राहुल गांधी जी को लोकसभा के अंदर मुकदमा पड़ेगा। जो सपने राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का देख रहे हैं उनका सपना चूर हो जाएगा और युवा खुद की ओर अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। मेरा नाम शब्बीर खान, कांग्रेस। आज सर्व समाज अजमेर जिले में सर्व समाज चाहे नहीं है, मुस्लिम समाज से हो चाहे सिंधी समाज से हो चाहे ब्राह्मण समाज से हो चाहे नायक समाज से हो चाहे नाई समाज से हो ब्राह्मण राजपूत समाज से हो, मुजर समाज के युवाओं ने जैसा कि सर्व समाज की ओर से आज पायलट साहब को सीएम बनाने के संबंध में हमने सबने एक विरोध प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम यहां पर रखा है और बड़ी विनम्रता और शालीनता के साथ मैं आदरणीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी से आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा और सीधे स्पष्ट रूप से मैं उन्हें आगाह करना चाहूँगा, यदि माननीय सचिन जी पायलट साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों से जिन युवा हैं सचिन पायलट और उन्होंने पिछले 4 वर्षों से जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस जो सरकार थी उसको बनी हुई कांग्रेस सरकार को जो जिंदा करने का काम जो पायलट साहब ने किया है, आज कई
कांग्रेस के जो वरिष्ठतम जो नेता है वो कह रहे हैं कि हम सीएम बनना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी, हमारे युवाओं की आप जब राजस्थान में आपने दौरे किए तब भी आपने अपनी ये बात कही थी कि हम युवाओं को मौका देंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। हम अजमेर ज़िले के सर्व समाज के जितने भी युवा साथी हैं, हम आपसे आग्रह भी करना चाहते हैं और आपसे आपको आगाह भी करना चाहते हैं, यदि आपने सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो आने वाले समय में जो हिंसा बढ़ेगी पूरे राजस्थान क्या पूरे अदर राज्य के अंदर, उसकी समस्त जिम्मेदारी समस्त कांग्रेस कमेटी की होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आपकी जिम्मेदारी होगी और हिंसा बढ़ेगी। सर्व समाज सचिन पायलट के साथ है, क्योंकि सर्व समाज जो है सचिन पायलट का हितेशी है। सचिन पायलट ने जो पिछले 4.5 वर्षों से जो युवाओं को मजबूती से कंधे से कंधा चलाने का जो कार्य किया है वो सचिन पायलट ने किया है। तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से यही आप मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे सचिन जी पायलट साहब को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको क्या लगता है कि गांधी परिवार बनाएगा या विधायक दल को बनाना? विधायक दल अगर चाहता तो विधायक दल की बात रखी जाती है, तो पायलट साहब के संपर्क में हैं सारे विधायक 65 विधायक, परंतु विधायक की वहाँ पर नहीं चल रही है और ये जो है गांधी परिवार ही इसका डिसीजन लेगा जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो राहुल गांधी को ही इसका डिसीजन लेना है, तो हम आग्रह उन्हीं से करना चाहेंगे। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।